चलो बेटा स्कूल चलते हैं। सर दर्द हो रहा है, चाय पीते हैं। हे कटिंग, भाई तुम्हारी गाड़ी मेरे को चाहिए अभी। पहचानता ही नहीं हो आपका, क्यों बाइक दूं? 5 मिनट हॉस्पिटल का काम है, हॉस्पिटल मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ, कैसे दूं? भाई मैं यहीं का हूँ, 5 मिनट 5-10 मिनट मैं जानता ही नहीं तू यहाँ का है कि बाहर का है, कैसे दूं? मैं देखो मैं कोई आलतू फालतू इंसान नहीं हूँ भाई, आप देखो मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं 5-10 मिनट में बस दवा का काम है, बहुत इमरजेंसी है भाई, समझो ना मजबूरी। भाई मुझे इसको छोड़ने जाना है स्कूल यार। बेटा समझाना पप्पा को यार, बात 5 मिनट भाई, स्कूल में वो लेट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी आना हो, मैं ये बस चाय खत्म हो तब तक आ जाना, मुझे जाना है। बस 5 मिनट के लिए ले लो बैग, ले लो, जल्दी आना हो, मैं राह देखता हूँ आपकी। हाँ थैंक यू। वाह बेटा वाह, यही चाहिए कुछ होने नहीं, होना नहीं चाहिए कुछ, यही चाहिए। हाँ जल्दी से आओ, रख दे यहाँ पे बेटा। क्या है यार, आते भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। 5 मिनट बोला, फिर आधी कलाक हो गई, अभी भी नहीं आया यार। ए भाई क्या बोलो, वो लाल टोपी वाले को दिखाए, क्या हुआ? वो 5 मिनट का बोल के घंटा हो गया, बाइक लेके गया है, आता नहीं। आप जानते हो उसको? नहीं, मुझे बोलता है कि बाइक चाहिए मेडिकल का काम। भाई अपने जिसको बाइक दी वो था कैसा, आपको कुछ याद है तो अपने ढूंढे उसको? मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसने लाल टोपी पहनी थी। बराबर, लाल टोपी वाला। चलो देखते है, वेट करते है, चलो यहाँ से निकलता है तो फिर देखते है। ऐसे मतलब जिसको जानते नहीं उसको बाइक नहीं देना चाहिए। वो बोलते हैं कि मुझे मेडिकल का काम है, इसके लिए दिया है। चलो कुछ भी नहीं है। चाबी ला। भाई मेरी बाइक है यार। भाई इसकी बाइक है, दे दो। भाई मेरी बाइक है यार, क्यों ऐसा कर? 5 मिनट का बोल रहे तू है कौन? भाई मैं 5 मिनट का बोल के दिया और मुझे मारता है तू? तू है कौन? तेरी गाड़ी है पास है। चुप, ये तो मेरी बाइक छुड़वा रहा है। शांति रख, तू क्यों बीच में बोल रहा है? अरे ये तो मेरी बाइक छुड़वा रहा है भाई, क्या की कसम, मैं इधर मत लड़ यार। अंधाधुंध है तू, इनकी मैटर है उनको करने दे, अपने इलाके में शांति रखने का है। ये जाली है, ये मेरी बाइक छुड़वा रहा है, तुम क्यों छुड़वा रहे हो? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। भलाई का जमाना बिल्कुल भी नहीं रहा, चोरी ऊपर से सीना चोरी। लाल टोपी वाले शख्स को एक इंसान ने दी बाइक, जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था लेकिन रुका था चाय की टपरी पर। तभी एक इंसान आता है जिसकी टोपी लाल थी, लाल टोपी पहने हुए था, उसने आकर बाइक मांगी कि 10 मिनट के लिए बाइक दीजिए। उस इंसान ने उसके ऊपर रहम का के बाइक दी और वो इंसान लेके हो गया फरार। जैसे ही वो वापस आया, उसने आते ही जिसकी बाइक थी उस पर कर दिया हमला। हेलो सर। अबे ओए, लाल टोपी वाले को मजलूम साबित कर और जो बाइक वाले को बचाने आया है उसे आतंकवादी साबित कर दे, पैसे तेरे अकाउंट में आ जाएंगे, समझा? ओके सर। बाइक के मालिक के बीच और लाल टोपी वाले के बीच में हो रहा था झगड़ा और उसी में आता एक ऐसा शख्स जिसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं और जिसकी थी बाइक उसको करने लगा सपोर्ट और लाल टोपी वाले से हो गया उसका झगड़ा। लाल टोपी वाले इंसान और सामने वाले इंसान के बीच जो भी झगड़ा था उसे रखते हैं साइड में, लेकिन आ रही है बड़ी खबर, जो उसको बचाने के लिए आया था उन दोनों के झगड़े के बीच में जो पड़ा था वो इंसान है बड़ा आतंकवादी, बड़ा त्रासवादी। और जिस जगह पर हादसा हुआ वहां के लोगों ने बताया कि ये इंसान जो बीच में पड़ा था वो है बड़ा फितना, बड़ा दहशतगर्द, बड़ा आतंकवादी है। बताया जा रहा है कि वो पहले भी ऐसे झगड़ों में बीच में पड़ता था और उसको पहले भी ऐसे आतंकवादी घोषित किया गया है। वो शख्स दहशत को बढ़ावा दे रहा है, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और कुछ ऐसे
ऐसे भी सब निकल आए हैं जो उसकी तरफदारी करते हैं, उस आतंकवाद की तरफदारी करते हैं, लेकिन अब से जो भी उस शख्स की उस आतंकवादी की तरफदारी करेगा उसके खिलाफ की जाएगी बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई। जो बीच में पड़ा था उस शख्स ने कैसे उस पर हमला किया, लाल टोपी वाले पर कर दिया हमला, टीवी स्क्रीन पर दिखाइए, जल्दी दिखाइए एडिटर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान मजीद की आयत करीमा सूरह हुजरात आयत नंबर 6 जिसमें इरशाद हो रहा है कि ऐ साहिबान ईमान, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक करो। आपको मालूम है कि इन्फॉर्मेशन का दौर है, इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन खासतौर पर इस जंग के माहौल में हमारे पास आती रहती है। कई बार दुश्मन जब किसी शख्स को मारने में नाकाम हो जाता है तो शख्सियत खुशी पर उतर आता है, क्योंकि दुश्मन बहुत ही पस्त दुश्मन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा खबासत पाई जाती है, लिहाजा वो किरदार कुशी और कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देता है। पर आपने वीडियो में देखा कि पत्रकार को जैसे ही दबाव आता है, प्रेशर आता है, कैसे उसने खबर को चेंज कर दिया और जो मजलूम था और जो मजलूम को सपोर्ट कर रहा था उसी को आतंकवादी बताया गया। बाइक का जो मालिक था वो और जिसने बाइक छीन ली थी वो, उसके बीच में झगड़ा हो रहा था, उसमें एक अच्छा इंसान मजलूम का सपोर्ट कर रहा था, आसपास के लोग उसी को फितना बोलने लगे, तो ये कितनी गलत बात है। और बोल रहा है कि तू क्यों बीच में पड़ रहा है। और फिर आपने देखा क्या हुआ, पूरी दुनिया का फोकस जालिम और मजलूम के बीच में से हटा के जो मदद मजलूम की मदद कर रहा था उसको आतंकवाद बताने पे लगा दिया, क्योंकि दुनिया में कोई मजलूमों की मदद ही ना करे। और आपने अभी देखा होगा ये बिकी हुई मीडिया, ये जमीर फरोश मीडिया, दहशत गर्द मीडिया, के एक ऐसा इंसान जितने अपने लाइफ के 32 साल मजलूम की हिमायत में गुजार दिए, जिसने अपना ना नफा नुकसान कुछ भी नहीं देखा, उसको शहीद होते ही जमीर फरोश मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दहशतगर्द मीडिया उसको आतंकवादी बता रही, ये कितनी गलत बात है। उसकी जिंदगी में भी उसे आतंकवाद बोला गया और उसके शहीद होने के बाद भी, तो ये दोस्तों कितनी गलत बात है। वो बिकाऊ मीडिया तो गलत है ही, वो दबाव में रहने वाली वो झूठी मीडिया तो गलत है ही, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को हम बेदार करें और सच क्या है वो बताएं। सही सोर्सेस से न्यूज हासिल करने की कोशिश करें, खासकर इस दौर में, जिसके लिए हमारे पास कुछ सोर्सेस हैं जिनको मैं रिकमेंड कर सकता हूं। एक है डायरेक्ट माइक, जिसमें आप देख सकते हैं सौरभ शाही साहब को खासकर आप सुन सकते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बायस नहीं है। इस तरीके से प्रेस टीवी को फॉलो कर सकते हैं, अलमयादीन को देख सकते हैं और अलमनार इंग्लिश को आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरह के कुछ चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सच्चे पत्रकारों को सपोर्ट करें और जो बिकाऊ मीडिया है, जो दहशतगर्द मीडिया है, जो किसी के दबाव में रह के न्यूज देती है, उसको बिल्कुल भी ना सुने। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखें।